Let me introduce, have the privilege to introduce our next speaker, Professor Pawan Singh. Professor Pawan Singh has done his studies in MA and PhD. After starting his career at Bank of India on industrial relationships and various assignments at NITI, IGNO, and Kanpur University, he joined the band of I Am Professor League and is currently mentoring students on human resource and OB at IIM Indore. An articulate person, clubbing the thoughts of Sanskrit and management, he has trained more than 8,000 professionals and submitted more than 40 seminar papers. He has leaped into a different bandwidth after authoring the book, Interpersonal Effectiveness. To put himself in his own words, we are always preparing to live, but never living. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Pawan Singh. Suprabhat, very good morning. I am very thankful that I have been given opportunity to place my views for young minds in young body, and young minds in young in older bodies like me. Within next 20 to 25 minutes, I would like to place some of my thoughts, which will be mostly spontaneous. Some structured formats are also there. And if you all agree, let my talk be basically in our own mother tongue, that is Hindi. Will it be okay? All right. So when I say in Hindi, it means 80% Hindi and 20% English. And when I say English, it means maybe 99% English and 1% Hindi. करीब 1999 में मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ज्वाइन की एज ए टीचर. सिंस 1989 आई एम टीचर. कुछ संस्थान बदलते रहे लेकिन अपना काम नहीं बदला, क्योंकि ये दिल का मामला है. मैंने सोचा, उस वक्त ये पहला थॉट आया कि नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हुए मेरी ऐसी क्या सोच है जो नेशनल है. मैं यहाँ शोविनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पैट्रियटिज्म की बात कर रहा हूं. शोविनिज्म होता है अपने देश को प्यार करना और पड़ोसियों को घृणा करना, और यह मानना कि बिना पड़ोसियों को घृणा किए अपने देश को हम प्यार नहीं कर सकते, यह शोविनिज्म है. और चाणक्य ने कहा है अति सर्वत्र वर्जयेत, यह उचित नहीं है. और ऐसा कहा गया है आध्यात्म में कि संबंध जो लव है वो रिलेशनशिप नहीं है, कि मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं और किसी और को हेट करता हूं, मैं भाई को प्यार करता हूं जो भाई नहीं उसको हेट करता हूं. अगर एक दिल है जिसमें प्रेम है तो सबसे प्रेम करेगा, और वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करेगा, और दुश्मनों में भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें निकाल के ले लेगा. फिर 2004 में जब मैं भारतीय प्रबंध संस्थान में आया, तो मैं सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं पढ़ता लिखता सोचता और वाचन करता हूं उसमें भारतीय है. और इन सारे चीजों ने मुझे आंदोलित किया और मुझे चुरा करके, समय चुरा के किसी तरह से उन गहरे आयामों में जाना पड़ा, ये देखने के लिए कि प्रबंध शास्त्र में भारतीय दर्शन से सीखने को क्या है. वैसे तो इस क्षेत्र में कई लोग काम कर रहे हैं लंबे समय से, खास करके 1980 की शुरुआत से ऐसे काम बहुत हुए हैं, और मैं ये कोई क्लेम नहीं करता कि ये कोई भी एक ओरिजिनल थॉट है, लेकिन कुछ ख्यालात हैं जो अपने हैं, यही मेरा संबल है और मैं इसको पेश करना चाहूंगा. हमारे जितने भी विद्यार्थी खास करके बैठे हुए हैं, और मेरे भी जो विद्यार्थी कुछ होंगे यहां, कुछ हमारे संस्थान में हैं, खास करके हमारी संस्थानों ने बुद्धि पर ज्यादा जोर दिया है, इसलिए मैं कम से कम आश्वस्त हूं कि इंटेलेक्ट तो हमारे विद्यार्थियों का डेवलप हो ही रहा है. लेकिन जब मैं ये देखता हूं, जिसको राइट ब्रेन कहते हैं, जिसको भावना का पक्ष कहते हैं, जहां कुछ
भावनाएं आंदोलित होती हैं जिसको हम राइट ब्रेन कहते हैं, क्या उसके बारे में हमें हमारे शैक्षणिक संस्थान आश्वस्त करते हैं? तो मैं समझता हूं कि आश्वासन मुझे मिलता नहीं है. एंड लेट मी से टू माई स्टूडेंट्स एज ए टीचर दैट इफ एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज प्रोड्यूसिंग ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, इट इज मोर और लेस बिकमिंग बाई एक्सीडेंट एंड नॉट बाई डिजाइन. और उस डिजाइन के लिए हमें और आगे आना होगा, और काफी संस्थान इसका प्रयत्न भी कर रहे हैं. तो भारतीय प्रबंध संस्थान में एक शिक्षक होने के नाते भारतीय क्या है, जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि ऐसा व्यक्तित्व हमें पैदा करना है जो एक नदी के समान हो. नदी में जल होता है और दो कूल किनारे होते हैं. हम यह समझ लेते हैं कि दो कूल किनारे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी के मुकाबले, क्योंकि नदी में दो कूल किनारे जो हैं वो व्यक्तित्व रूपी नदी के विवेक रूपी किनारे हैं. विवेक या कहिए इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट रूपी किनारे हैं, और जो पानी है वो भावना है. एक लीडर का काम यह होता है कि वो अपने अपनी और अपने साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं को सही दिशा में ले जाए. सही दिशा में ले जाने के लिए इंटेलेक्ट की जरूर आवश्यकता है, लेकिन आप ले किसको जा रहे हैं? पानी को ले जा रहे हैं. वो पानी क्या है? वो भावना है. और भावना ही अगर पैदा नहीं है और भावना को हमने अगर ठीक से दिशा नहीं दी तो हम कैसे नेतृत्व कर सकते हैं? इसीलिए नेतृत्व इंटेलेक्ट पर कदापि आधारित नहीं हो सकता, यह भावना पर ही हो सकता है. और 2500 साल पहले मनुष्यों ने कहा, भारतीय मनुष्यों ने कहा, और अब करीब 10 साल पहले एम्पिरिकल एविडेंस भी ये एस्टैब्लिश कर चुकी है कि व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यक्तित्व में आधारभूत जो है वो भावना है और इंटेलेक्ट उसके बाद आता है. आधार वो है, इंटेलेक्ट बाद में है. जैसे मान लीजिए कि ये सुंदर सा ऑडिटोरियम, इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है ऊपरी ऊपरी भाग देखने में, लेकिन इसको संभाले हुए कौन है? इसको वो संभाले हुए है जो अंधेरे में संघर्ष कर रहा है, जिसको प्लिंथ कहते हैं, जो जमीन के नीचे है. वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो है वो भावना ही प्रस्फुटित हो रही है. यानी आप जो हैं, आप जैसे परावर्तित हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है, ये घोषणा है कि आपकी भावना क्या है. कर्म तो प्रधान है लेकिन भावना उससे कहीं ज्यादा. एक छोटी सी कथा याद आई, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, बड़ी प्यारी कथा है. बोले कि एक आभूषण बेचने वालों की दुकान में वो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे केशव, गोपाल, हरि, हर. बेच रहे हैं सोना और नाम ले रहे हैं ईश्वर का, केशव, गोपाल, हरि, हर. लेकिन वो जो नाम लेते थे, देखिए कैसे लेते थे. चूंकि रामकृष्ण परमहंस बंगाली भाषी थे, वो बोलते थे, जानते हैं केशव वो क्यों कहता था? असल में आपस में बेचने वाले लोग कहते थे केशव, बंगाली में होता है के मतलब कौन, सब माने कौन, ये लोग कौन हैं, केशव, केशव. तो बाकी लोग कहते थे गोपाल, गाय, गाय चराने जैसे लोग, माने बहुत सिंपलटन है, सीधे साधे लोग हैं, शायद इनको ठगा जा सकता है. केशव, गोपाल, सिंपलटन लोग हैं. तो बाकी के लोग कहते थे होरी, इसको हर लें, ठग लें, पैसे लूट लें, ज्यादा दाम में कम दाम की चीज दे दें. तो बाकी लोग कहते थे हरो, हर का मतलब होता है शिव, लेकिन यहां हरो, हरी मैंने क्या हर लें, कहता है हरो, हाँ इसको लूट लो. शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन भावनाएं क्या थी? इसीलिए आप क्या करते हैं वो तो ठीक, लेकिन किस भावना से करते हैं वो उस कार्य को प्रतिष्ठा देता है और वही आगे ले जाता है. जैसे देखिए, एक जो नेतृत्व कला में प्रवीण होता है उसकी भाषा बहुत जादुई हो जरूरी नहीं है, क्योंकि जादुई भाषा इंप्रेशन तो बनाती है, इंपैक्ट नहीं. और जादुई भाषा के साथ साथ आप में जादुई व्यक्तित्व भी हो तो इंप्रेशन और इंपैक्ट दोनों बनता है, वो अलग बात है. लेकिन अगर हमारे कोई विद्यार्थी सोचते हैं कि इंग्लिश स्किल और लैंग्वेज स्किल इज इक्वल टू कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो गलत हैं. हालांकि जब मैं यंग लोगों से बात करता हूं, तो मुझे कई लोगों से बात करने का मौका मिलता है, जो विद्यार्थी 22-23 साल के हैं या जो प्रतिष्ठित मैनेजर्स हैं अपने अपने जगहों पे हैं, जो 58-60 साल के हैं, तो मैं ये कहता हूं यंगर लोगों को कि कम्युनिकेशन स्किल इज लैंग्वेज स्किल, क्योंकि लैंग्वेज का भी आपने ठीक से संवारा नहीं है उसको, इसलिए पहले लैंग्वेज देख लीजिए. लेकिन जब मैं 50-55 के लोगों से बात करता हूं तो कहता हूं
कि लैंग्वेज संवार लिया है और ये सोचते हैं कि आप संवाद भी कर लेते हैं तो आप मुगालते में हैं, बिकॉज लैंग्वेज स्किल इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल। ये यूं ऐसा ही है जैसे बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, वो साधारण सूत्र है, लेकिन बाद में कहा गया नहीं नहीं ये वेव में चलती है, उसी बात को काटी गई। इसलिए कभी कभी शिक्षकों को अपनी बात को ही काटना होता है, श्रोताओं पर निर्भर करता है कि इसको क्या कहना है। इसलिए फॉर यंगर पीपल आई विल से लैंग्वेज स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले अपना लैंग्वेज संवार लीजिए। लेकिन मैं अपने हम उम्र से कहता हूँ और जो हमारे बड़े भाई बहन उनसे कहता हूँ कि लैंग्वेज संभाल लिया है तो इस मुगालते में न पड़ें कि हमने संवाद की कला को ठीक से प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि ऐसे कई नेतृत्व करने वाले लोग हुए हैं जो कमजोर और टूटे फूटे शब्दों से दुनिया में आंदोलन खड़ा कर दिया है। अगर आप गांधी को भी लैंग्वेज स्किल पर नापें तो शायद C+ B- का ग्रेड आप देना चाहेंगे, लेकिन उनकी वाणी में जादू इसलिए था कि वो भारतीय मनीषियों द्वारा दिए गए मार्ग के गहराइयों तक चले गए थे और मनसा वाचा कर्मणा की त्रिवेणी को उन्होंने पा लिया था। एक त्रिवेणी बहती है इलाहाबाद में, लेकिन उसमें स्नान करने के 10 मिनट बाद ही फिर से पाप छूने लगता है हमें, लेकिन एक त्रिवेणी अंदर है जो मनसा वाचा कर्मणा है, मन वचन और कर्म से एक है। जब वैसी हम बात करते हैं जो हम मन से सोचते हैं और जो कर्म करते हैं, वही बोलते हैं जो करते हैं, वही करते हैं जो बोलते हैं, वही सोचते हैं जो करते हैं और बोलते हैं, इस त्रिवेणी में जिसने अवगाहन कर लिया वही सिर्फ नेतृत्व कला में प्रतिष्ठित होने की पात्रता रखता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इकबाल ने कहा था कि मैं जभी तक था कि तेरी जलवा पैराई न थी, थोड़ी उर्दू है, थोड़ा सब्र करेंगे अगर ना जानते हो, मैं कहीं कहीं शब्द का अर्थ बता दूंगा, कि मेरा अहंग तभी तक था कि जब तक बड़ी शक्तियों का दर्शन नहीं हुआ था, जब मैं सोचता था मैं ही मैं हूं। मैं जब ही तक था कि तेरी जलवा पैराई न थी, जो नमूदे हक से मिट जाता है वो बातिल हूं मैं वो बुलबुला हूं जो थोड़े से ज्ञान के प्रकटन से नष्ट हो जाता है, और ये बुलबुला मेरा अहंकार है। जो नमूदे हक से मिट जाता है वो बातिल हूं मैं, इल्म के दरिया से लाए गोताजन गौहर बदस्त, वाय महरूमी खजफ चीने लबे साहिल हूं मैं, और जो गहरे गए गहरे बैठे वो हीरा मोती निकाल के लाए उस गहरे समुद्र से, लेकिन मैं किनारे बैठ करके कंकर पत्थर चुनता रहा, वाय महरूमी खजफ चीने लबे साहिल हूं मैं, खोजता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। एक लीडर को पहले अपने ही इमोशन को संवारना होता है, पहले खुद के साथ काम करना होता है, उसके अंदर जाना होता है। ऐसा इसलिए आपने देखा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के भी जो 5-6 पैरामीटर है, खास करके 5, ए लीडर इज वन हु अंडरस्टैंड्स हिज ओन इमोशंस फर्स्ट एंड बाय दैट ही प्रिपेयर्स और शी प्रिपेयर्स टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, बिकॉज फॉर लीडरशिप फॉर एग्जाम्पल टू गेट सिलेक्टेड एट ए लीडरशिप पोजिशन, जनरली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस दे रिक्वायर IQ, बट टू सक्सीड देयर यू नीड EQ, दीज आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। लेकिन जब एक लीडर अपने पद पर स्थापित हो जाता है तो एक बड़ा अच्छा कोट है जो कहता है, ए लीडर्स जॉब इज टू क्रिएट स्पॉन्टेनियस विल टू कोऑपरेट। दो तरह के मैनेजर लीडर हैं कहिए, एक ये जो याद दिलाते रहते हैं कि मेरी अथॉरिटी को भूल गए मैं कौन हूं, तुम्हारा बॉस हूं। लीडर वो होता है जो स्वयं ही भूल जाता है कि वो बॉस है, दूसरे भले याद रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि राम और भरत में बहुत गहरा प्रेम इसलिए था कि राम को याद नहीं रहता था कि वो बड़े भाई हैं, और भरत भूलते नहीं थे कि वो छोटे भाई हैं। वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच बॉस को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बॉस हैं, वो सबॉर्डिनेट का काम है और उनको याद रखना चाहिए। ये सबॉर्डिनेट पर छोड़ दें कुछ काम, कुछ उत्तरदायित्व उनके लिए। तो जब एक नेतृत्व क्षमता से परिपूरित व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों की समझता है, तब एक आगे का कारवां शुरू होता है, और उस कारवां को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसा कहा गया है दैट ए लीडर बेसिकली अलाउज हिज ओन पीपल टू वर्क। अभी छोटी सी एक आर्टिकल भी मैंने लिखी थी इसी IMA कन्वेंशन के लिए, ए लीडर हैज बेसिकली टू जॉब्स, टू हैव राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड टू लेट देम वर्क। जो यंग माइंड है मैं कहूंगा, ये सुनने में आपको आसान लगता है, लेकिन आप काम करेंगे और कोई आपको पूरी तरह से काम करने देगा,
ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए मशक्कत करनी होती है। आप कहीं काम करने जाएंगे और एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, शायद बनाना पड़ेगा। छोटा सा अनुभव, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाया करता था आसाम में, वहां सीनियर लोगों ने कहा, डीजीएम और जीएम के लेवल के लोगों ने, यहां ओपननेस थोड़ी कम महसूस होती है। हमने कहा कुछ इंटरवेंशन किया जाएगा, कंसल्टिंग कम ट्रेनिंग इंटरवेंशन था। 8-9-10 महीने बाद उन्होंने मुंह खोला और कहा कि सर अब थोड़ा थोड़ा ओपननेस महसूस हो रहा है। इसे जब हम कहते हैं कि एनवायरमेंट शुड बी ओपन एंड इट इज लीडर्स जॉब टू क्रिएट इट, अगर है तो है और नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, फिर उसको करने के लिए आसान नहीं होता है। तो हमने जब शास्त्रों में थोड़े बहुत, हम भी किनारे बैठे हुए ऐसे ही आदमी हैं जो कंकड़ पत्थर चुन रहे हैं, और मैंने जैसा कहा कि समय चुरा के वो करना होता है, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और बाद में मैं अपने विद्यार्थियों में शायद 5-10% में भी थोड़ा सा अगर जागरूकता हो जाए कि किन सोर्स को हमने कंसल्ट किया है और आप भी उसको करें तो शायद ठीक रहे। एक नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हम ये जानें कि संवाद कैसे किया जाता है, लेकिन कहां किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और संवाद कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसको भी वो जानता है। दो उदाहरण मैं दूंगा। एक आर के तलवार थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने बहुत आगे ले गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। शायद इसी कन्वेंशन में मैंने सुना था एसएम दत्ता जी को भी, जो पहले हिंदुस्तान लीवर के हेड थे, या शायद आईआईएम में सुना था इंदौर में। हमारे चेयरमैन झुंझुनवाला जी हैं। एक कॉमन चीज इन लोगों में कि ये लोग अपने आप को निखारते हैं। अभी बत्रा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो आयाम है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट तरीके से कैसे निखारा जाए, कैसे एनर्जाइज हुआ जाए, बत्रा साहब ने बहुत अच्छा बताया। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये इंट्रोवर्ट तरीका है अपने आप को निखारने का, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जाइजिंग थ्रू साइलेंस। मैं कोट करता हूं रमन महर्षि को, मौनेन मज्जन मनसा स्वमूल चर्चैव स्यात्मत विचारणं स्यात्, एषो हमे तन्न मम स्वरूपम इति प्रमा सत्य विचारणांगम। यानी के हिंदी में कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने वचन से और दिमाग से कुछ समय के लिए गहरे मौन में अवगाहन करता है, वो अपनी सेल्फ इंक्वायरी में प्रवीण होता है, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में उसकी प्रज्ञा प्रवीण होती है। हम अपने बच्चे को डांट देते हैं, पड़ोसी के बच्चे को देखो, एक कविता बोलने कहते हैं, तीन कविता कहता है। तुम घर में घुसने वाला लड़का, घर घुसड़ा कहीं का, एक कविता बोलते हैं, एक लाइन नहीं बोलता है। हमारे कुछ ऐसी प्रकृति हो गई है कि हम इंट्रोवर्टनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये इंट्रोवर्टनेस है। कुछ लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट तो एक्सट्रोवर्ट का साइंस है। हमने कहा ठीक है, एक्सट्रोवर्ट का साइंस आर्ट है, लेकिन इंट्रोवर्टनेस नहीं है क्या? तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा है, अकाउंटिंग तो इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकिन मार्केटिंग तो एक्सट्रोवर्ट है। हमने कहा मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च एक्सट्रोवर्ट है क्या? आप एडवर्टाइजिंग ही ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग का आपको कैप्शन लिखना है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लिखने के पहले गहराई में जाना होता है, चुप होना होता है, या कॉन्ट्रास्ट में जाना होता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो समुद्र की लहरें गिनने होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अच्छे विचार उस माहौल में आते हैं जब आप उस माहौल में ना होते हैं। कभी कभी हम लोग एज ए टीचर भी क्लासरूम में भी विचार अच्छे आते हैं, लेकिन कभी कभी क्लास की बात न सोचते हुए भी क्लास की बात ज्यादा अच्छी तरह सोच पाते हैं। इसीलिए जिस तरह से सफेद व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर उजला खड़िया अच्छा लिखता है, वैसे ही मौन के कैनवास पर जब वचन होता है या जो कार्य होता है वो ज्यादा पल्लवित होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, इसीलिए खास करके मैं यंग माइंड्स और ब्रेन्स और हार्ट्स को कहूंगा कि अगर आप ये कला जान गए हैं कि कब नहीं बोलना चाहिए, अगर आप ये जान गए हैं तो जब आपको बोलना चाहिए और आप बोलेंगे तो आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इसलिए यह संतुलन बड़ा जरूरी है। आध्यात्म कहता है, खास करके तैतरीय उपनिषद, श्वेतासर उपनिषद, कि जो आप देख रहे हैं एक लीडर की पर्सनालिटी शरीर के रूप में, पहनावे के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके गहरे पर्सनालिटीज हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो विद्यार्थियों को चुनता हूं,
एक विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट है, बढ़िया है, ठीक है, अब उसको कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि बहुत बड़े एक व्यक्तित्व आ रहे हैं कॉलेज में और आप उसको इन्वाइट करेंगे, आप उनको अंदर ले आएंगे। अब वो विद्यार्थी अच्छा है, पढ़ने में स्मार्ट भी है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उस बड़े व्यक्तित्व से मिलने में झिझकता है, वो जरा सा सोचता है कि ऐसा कभी किया नहीं, वो असहज रहता है। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, वो भी जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, वो स्मार्ट है, सब ठीक है, और उसको कहा जाता है कि आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, वो बड़ी सहजता से ले लेता है। अंतर क्या है? अंतर ये है, ये शरीर जो हमारा एक शीत है, इसके अंदर जो और सटल बॉडीज हैं, जो एक प्राणमय कोश है, अगर वो नर्चर्ड नहीं है तो आप किसी समय में उथले उथले, कभी घबराए, कभी संकुचित, कभी खूब प्रफुल्लित, कभी उछल रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ये जो ऊपर नीचे है ये इसलिए है कि हमारा अंदर का जो शरीर सूक्ष्म है, जिसको हम प्राण शरीर कहते हैं, वो पोषित नहीं है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को ये चाहिए कि अपने शरीर सौष्ठव को बढ़ाएं, जिम जाएं, वो ठीक है, लेकिन सांसों की क्वालिटी को देखें, अगर आप में वो हो जाएगा तो आप जहां भी जाएं, जिस परिस्थिति में रहें, आप सहज महसूस करते हैं। और इसके अंदर की बात और कही जाती है कि विचार अगर ठीक हो तो आप एक संतुलित व्यक्तित्व पैदा करते हैं। ये हमारी भारतीय मनीषा कहती है, मैं एक आधार ले रहा हूं जो कहता है, अथ अन्नमय प्राणमय मरोमय विज्ञानमय मय आनंद कोशाह पंच कोशाह। ये पांचों कोश को जब तक हम नर्चर नहीं करेंगे तब तक क्या व्यक्तित्व बना रहे हैं? खाली बाहर बाहर से बना रहे हैं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ शरीर को बढ़ाता है, अहंकार ही पैदा करता है और कहता है देखो मेरी मसल तुम्हारी मसल से ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो यह है कि हे भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो मैं उसके किनारे 10, 12, 14, 15 घंटे खड़े रह सकूं, इसलिए मुझे स्वास्थ्य दे। तो एक स्वास्थ्य अहंकार लाता है, एक स्वास्थ्य परोपकार की भावना लाता है। बत्रा साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वहीं से मैं एक क्लू ले रहा हूं। जब आप सुखी हैं, खुश हैं, तो भी संतुलित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप खुश हैं तो भी हजारों घरों में दुख का साया अभी पड़ा है और यह हकीकत है। और जब आप दुखी हैं, डाउन हैं, आज आप एनर्जी लेवल पर हैं नहीं, कोई बात नहीं है, यह आपका परिवेश है, सारी दुनिया में दुख व्याप्त नहीं हो गया है, और आज ही कई घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं, कई लोग खुशी मना रहे हैं। क्या होता है कि हम जिस परिवेश में होते हैं लगता है सारा अस्तित्व उसी रंग में रंग गया है, ऐसा नहीं है। और अगर हम अपने से थोड़ा अलग करके अस्तित्व को देखें तो हमें पता चलेगा कि जब मेरे काफी दुख के क्षण चल रहे हैं उस समय भी खुश होने के कई कारण हैं, सुखी होने के कारण है, चल रहा है। और एक बात मैं खास करके यंग माइंड को कहूंगा कि जब कभी भी दुख आए, दुख यानी कि कठिन परिस्थिति आ जाए, तो कभी भी बाईपास मत करिएगा कि दुख आ गया या कठिन परिस्थिति है, चैलेंजिंग टाइम है, टीवी खोल के बैठ गए, रेडियो खोल के बैठ गए, ये तो भगोड़ेपन का लक्षण है, यानी कि उससे गुजरना ही पड़ता है, उसको जी करके सामने निकलना है, उसे घुस के फिर बाहर निकलना है, और जब घुस गए तो क्षण क्षण जीते हुए उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। और भारतीय आध्यात्म तो यह कहता है कि वर्तमान को स्वीकार करना ही सुखी होने का लक्षण है, जिसने जितना इनकार किया वो उतना ही दुखी हुआ। मैं कभी कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कक्षा भी लेता हूं और उसमें बताता हूं होलसेल मेथड और रिटेल मेथड। रिटेल मेथड यह है होल स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें जान लें, सीख लें, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, या ये जान लें कि डेलीगेट किस काम को कर दें, या ये जान लें कि समय पे कैसे पहुंच जाएं, इसको मैं रिटेल मेथड कहता हूं। होलसेल मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है कि जिसने जिंदगी को जितना ही हां 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 कहा वो उतना ही स्ट्रेस से बाहर रहेगा, और जिसने जिंदगी को जितना ही ना 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 कहा वो उतने ही स्ट्रेस में रहेगा। इसलिए जिंदगी को स्वीकार करना है, अभी जो वर्तमान चल रहा है, हाँ, आज जो सुबह चल रही है मेरे साथ, हाँ, दोपहर चल रही है, हाँ, शाम जब आएगी, हाँ, हाँ कहने की आदत, ये एक होलसेल टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। और दूसरी टेक्निक मैं आपको परोक्ष रूप में कह चुका हूं कि साक्षी भाव से जो परिस्थिति मेरे साथ चल रही है उसको अलग होकर के देखना कि मेरे साथ चल रही है, अन्य के साथ नहीं चल रही है, और मैं एक टनल में घुसा हुआ हूं तो आगे टनल का रास्ता दिखेगा ही और आएगा ही। एक दो बातें और, समय काफी जल्दी निकल जाता है और ये स्टेज ऐसा होता है, बड़ा इन्फैचुएटिंग होता है, जब आधा घंटा बीता है तो लगता है 10 मिनट बीता है, 2-3 मिनट मैं और लेना चाहूंगा। एक विचित्र बात यह, कहीं आपने पढ़ा है कि
आपको कार्य में विलंब करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट, कहीं नहीं पढ़ा है, हम यही कहते हैं लेट अस नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। एक महाभारत से सूत्र लाया हूं, बड़ा अच्छा है, जो कहता है यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। देखिए इंटरेस्टिंग है, रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिय चैव कर्तव्य चिरकारी प्रशस्यते। इट मीन्स इन दीज सर्कमस्टांसेस इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट यू विल बी अप्रिशिएटेड। ये क्या है, इन इंग्लिश आई एम रीडिंग, क्योंकि यहां हिंदी का ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी हो नहीं पाएगा। ही इज अप्रिशिएटेड और शी इज अप्रिशिएटेड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स इन, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं एक लेक्चर ले रहा था, मैंने कहा कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है। लोग बड़े खुश हुए, हमने कहा यहां कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी कार्य को शुरू ही नहीं करता है, और अगर करता है तो आगाज से अंजाम तक ले जाता है, वो अनावश्यक पचड़ों में नहीं पड़ता। इसलिए आप ये मत मान लीजिए प्रोक्रेस्टिनेशन करना सुख का लक्षण है, इन सर्कमस्टांस में सिर्फ ही और शी इज अप्रिशिएटेड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब मोह के बंधन में पड़ना, जैसे मैं हूं मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसे मेरा तीन तरह का रिश्ता हो सकता है, अनअटैच्ड मींस नो केयर एट ऑल, मुझे सैलरी मिलती मैं प्रसन्न हूं, सैलरी जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन चौकन्ना हो जाऊंगा, अनअटैच्ड। दूसरा है अटैच्ड, मैं ऑर्गेनाइजेशन को यह देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मेरा नाम होता है कि नहीं, समाचार पत्र में छपता हूं कि नहीं, यह सब अटैचमेंट है। और तीसरा है डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट आई डोंट केयर फॉर यू, अटैचमेंट आई केयर बट डू यू केयर फॉर मी, इट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। डिटैचमेंट इन विद इन माई कंट्रोल इज दैट आई कैन केयर फॉर यू, बट इट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल दैट यू विल केयर फॉर मी, एंड वट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल वाई आई शुड वरी अबाउट दैट। मैंने बुद्धिमान आदमी मनुष्यों के 50-60-70 कुछ डिस्क्रिप्शंस बनाए हैं, उसमें एक डिस्क्रिप्शन ये है, बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो उसके नियंत्रण में है उसके लिए वो पूरी ताकत लगाता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है अर्पित करके चलता जाता है, गाता बजाता आगे बढ़ता है। अगर ये जान जाए तो कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कब जरूरी है, मान लीजिए ही इज और शी इज अप्रिशिएटेड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग अटैचमेंट। एक संबंध लेन देन का पैदा हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करें। प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग सेल्फ प्राइड, अभिमान बढ़ता है, कहीं प्रशंसा मिलती है ताली बजती है अभिमान बढ़ता है तो प्रोक्रेस्टिनेट करें, अभी नहीं कल अभिमानी हो जाएंगे, कल हुआ नहीं अच्छा कल 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 अभिमान को ले आएंगे, अभिमानी होने हम बहुत जल्दी करते हैं। तो इन गेटिंग सेल्फ प्राइड यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट, गेटिंग इंडल्ज इनटू इगोइस्टिक बिहेवियर वन शुड प्रोक्रेस्टिनेट, इन कमिटिंग सिन यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट। ऐसा कहा गया है कि जब अच्छी भावना आती है उसको तुरंत करिए। एक सज्जन ने मुझे कहा कि दान देने की क्या कला होती है, हमने कहा दान देने की कला यह होती है जब दिमाग में आ जाए दान देना है उसी समय चेक काटिए, अन्यथा आधे घंटे बाद आपका मन बदलने वाला है। मार्क ट्वेन एक गिरजाघर गया, वहां सुना पादरी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बोला कि इनकी वचनों से तो मेरा जीवन बदल रहा है, मैं $100 आज डालूंगा पेटी में। 10 मिनट बाद सोचता है सभी इतने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग $100 डालेंगे, मैं 50 डाल दूंगा, उतना भी बहुत है, इतना भी कौन डालता है। फिर आधे घंटे बाद सोचा कि 30-20, बाद में वो $1 डाल के निकल गया। इसीलिए कोई अच्छी बात इंप्लीमेंट करने की आए तो वहीं करिए। एक छोटी जैन मुनि कथा बताता हूं, वो बाद में तीर्थंकर हो गए, उन्होंने देखा एक छोटी लड़की वो झूले पर झूल रही है आगे पीछे, तुरंत दिमाग बदल गया कि क्या मैं भी ये मुगालते में हूं कि मैं भी बहुत यात्रा कर रहा हूं, लेकिन वो वैसे ही जैसे आगे पीछे जा कहीं नहीं रहा हूं, जीवन बदलना होगा, वहीं बदला। बाबा आमटे ने देखा एक व्यक्ति जो कोढ़ के रोग से पीड़ित है और कूड़े से निकाल के अन्न खा रहा है, वो वकील थे, प्रैक्टिसिंग वकील थे, वहीं सोचा जिंदगी अब इसके लिए, वहीं बदला। हम क्या होता है कि कई बदलने के जब तस्वीर सामने आती है, मौके मिलते हैं, उसको भी पार करके चले जाते हैं, और कई लोग हमसे हार जाते हैं, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक, सब हमसे हार जाते हैं, हम जीते हुए लोग हैं और उनको हम ठीक से समझ नहीं पाते।
तो जब भी ये कोई पाप पाप यानी यहाँ तो चूंकि ये महाभारत का शांति पर्व चल रहा है तो वहां पाप पुण्य कहा गया है जिसको मैनेजमेंट में कहेंगे राइटियस एक्ट एंड अनराइटियस एक्ट. व्हेनेवर ए थॉट अबाउट राइटियस एक्ट कम्स वन शुड इंप्लीमेंट देन एंड देयर एंड व्हेनेवर ए थॉट ऑफ अनराइटियसनेस कम्स वन शुड प्रोक्रेस्टिनेट एंड प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन ए थॉट कम्स टू डू समथिंग अनप्लेजेंट टू अदर्स. तो इस तरह से बड़ी विचित्र बातों में और कहिए उलट बांसी में महाभारत भी बहुत कुछ सिखाता है और काफी ये गहरा है. मैं अब आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी चीज को उठाऊंगा तो देर लग जाएगी. लेकिन एक बात ये जान लें कि अगर नेतृत्व की कला विकसित करनी है तो जान लें कि कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है. नोबडी इज लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग, एवरीबडी इज वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड बाय योर एक्शन यू स्पीक मोर लाउडली. ऐसा कहा गया है. और एक बड़ा ही हैंडी उदाहरण है, ये तो तुलसीदास का है, मैंने कोट भी किया है अपने एक छोटे से आर्टिकल में, कि एक लीडर जो है वो मुंह की तरह होता है. मुख जो भोजन लेता है तो ये भेद नहीं करता कि हाथ को मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि मेरे नजदीक है, पैर को कम दूंगा क्योंकि दूर है. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. यानी मुख की तरह होइए, वहां से आपको भोजन मिलेगा क्योंकि रिसोर्स जो है लीडर से मिलता है और रिसोर्स अरेंजर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, एलोकेटर है, और वो ठीक से ऐसा देता है ताकि सारे अंग ठीक से पालन पोषण उसमें होते हैं. मैं कुछ शास्त्रों के नाम लेता हूं ताकि विद्यार्थियों थोड़ी जो है सेंसिटाइज हों. 183 उपनिषद तो बहुत आसानी से इंदौर में भी उपलब्ध हैं, आप खरीद सकते हैं. कुल दाम लगेगा 300-400 रुपए, वहां से हमने कुछ निकाले हैं. और फिर शंकराचार्य की 6-7 किताबें हैं जिसको कहा गया है नर्सरी बुक्स टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसॉफी, जैसे उसका नाम मान लीजिए है आत्मबोध, तत्वबोध, निर्वाण शतकम वगैरह वगैरह. बाकी कुछ महाभारत तो अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है, 1,300,000 श्लोक करीब करीब हैं. और उसके अलावे हम हैरी पॉटर का नाम तो लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ ही ऐसे ऐसे शास्त्र उपलब्ध हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश और कथा सरित सागर, जहाँ बहुत ही गहरे तरीकों से कहानी के माध्यम से इनडायरेक्ट लर्निंग करवाई गई है. और इसके अलावे और भी हैं, जैसे संस्कृत में जो हैं वो हैं योग वासिष्ठ, शुक्र नीति, नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और रमन महर्षि के शास्त्र. और कुछ नॉन संस्कृत भी हैं जो मैं कभी कभी देखा हूँ, तुलसीदास की रामचरितमानस, तिरुवल्लुवर. और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जानने की कि भारतीय साहित्य में संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़ करके, क्योंकि इस पर तो बहुत ही काम होते रहते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, गुजराती, मराठी और असमी, बंगला, पंजाबी, इसमें क्या कुछ गहरे चीज़ दिए हुए हैं. तो मैंने पाया कि जैसे तेलुगु में वेमना काफ़ी गहरी बातें करता है जो मैनेजर को पढ़ना चाहिए. तिरुवल्लुवर का तो माना हुआ शास्त्र है, 1,330 श्लोक का तिरुवल्लुवर जाना हुआ शास्त्र है. पुरंदर दास कन्नड़ के लैंग्वेज में कितना लिख गए और हम भूले भटके हुए हैं. मैं येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर रहा था कि क्या कारण है कि भारतीय प्रोफेसर उतना रिसर्च आर्टिकल पैदा नहीं कर पाते. बोले कोई कारण नहीं है, कारण यह है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं उसमें पैशन लाते हैं और साधारण सी चीज को भी बढ़िया से सजा के देते हैं. आपके पास काफी गहरी चीजें हैं लेकिन आप उसको देने में झिझकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों झिझकिए मत, काफी गहरे शास्त्र हैं. अमेरिका का तो पूरी सिविलाइजेशन करीब 450 साल पुरानी है और हमारे गहनतम शास्त्र जो हैं वो खुद 2,500 साल से ज्यादा पुराने हैं. और मैं बात खत्म करूंगा. फिराक गोरखपुरी कहते हैं ये अंतिम, ऐ सबसे पुरानी कौम दुनिया की सलाम, यानी हिंदुस्तान, ऐ दुनिया की सबसे पुरानी कौम सलाम, ऋषियों ने दिए तुझे वह राजे दवाम, कहते हैं जिसे रूहे रवाने तहजीब, मुजमर है जिनमें जिंदगी के पैगाम, छुपे हुए हैं जिनमें जिंदगी के पैगाम. धन्यवाद. प्रश्न कभी आप पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा. बहुत धन्यवाद, आपने सुना इतनी शांति से और पेशेंस से. थैंक यू. दैट वॉज प्रोफेसर सिंह एट इज बेस्ट.